सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट से दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें पहली खबर विमानों के उड़ान में बाधा बन रहे मकानों को लेकर के है, और वहीं दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि एक वीडियो को कुशीनगर एयरपोर्ट का बताकर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आखिर क्या है मामला, क्या सही है क्या गलत, पूरी पड़ताल के साथ आपको बताएंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री राशन देने के फैसले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। और वहीं दोस्तों एयर एशिया इंडिया की तरफ से बेहद ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों अगर आप भी एयर एशिया इंडिया से सफ़र करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइन की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों खबरों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से ही हमें हौसला मिलता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। दोस्तों आपको बता दें कि एयर एशिया इंडिया की तरफ से बेहद ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। एयर एशिया इंडिया ने पेश किया प्रीमियम फ्लेक्स किराया, यात्रियों को मिलेगी अनलिमिटेड रीशेड्यूलिंग समेत कई सुविधाएँ। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बजट एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया इंडिया से सफ़र करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जब आप अगली बार एयर एशिया इंडिया की फ़्लाइट से सफ़र कर रहे होंगे तो आपको एक खास सुविधा भी मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल कंपनी ने यात्रियों के लिए विशेष प्रीमियम फ्लेक्स किराया की पेशकश की है, जिसमें फ़्लाइट की बुकिंग के अनलिमिटेड रीशेड्यूलिंग, कैंसिलेशन चार्ज में छूट और पहले से बुक किए गए भोजन का मुफ्त चयन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि एयरलाइन कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इस विशेष किराए के साथ यात्री अब कोई चार्ज दिए बगैर निर्धारित फ्लाइट के प्रस्थान से 2 घंटे पहले तक अनलिमिटेड परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बयान के मुताबिक प्रीमियम फ्लेक्स किराए का विकल्प चुनने वाले मेहमानों को कई सुविधाएँ मिलती हैं, जिसमें उड़ान की बुकिंग का अनलिमिटेड रीशेड्यूलिंग और 3,000 रुपये के मानक रद्दीकरण शुल्क के मुकाबले 72 घंटे से अधिक समय तक कैंसिल करने पर केवल 500 रुपये का रियायती कैंसिलेशन चार्ज और पंक्ति 6, 11 और 15, 32 तक मुफ्त मानक सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि एयर एशिया ने कहा कि वह पेशकश लेने वाले यात्रियों को पंक्ति संख्या 1, 5, 12 और 14 में प्रीमियम सीटों पर 50% की छूट मिलेगी और एयरलाइन के प्री बुक किए गए भोजन के मेनू में मुफ्त में चयन की सुविधा भी होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी एयर एशिया इंडिया की फ़्लाइट से सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 186 सीटर कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली की फ़्लाइट आज भरेगी उड़ान। दिल्ली फ़्लाइट की 35 और कोलकाता की 30% बुकिंग। दोस्तों आपको बता दें कि सूरत एयरपोर्ट से गुरुवार से गो फर्स्ट एयरलाइन दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट शुरू करेगी। DGCA ने गो फर्स्ट एयरलाइंस को फ़्लाइट संचालन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गो फर्स्ट को बुकिंग ऑफिस के लिए सूरत एयरपोर्ट की निदेशक अमन सैनी ने भी जगह की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट दिल्ली से सूरत और सूरत से दिल्ली मॉर्निंग और इवनिंग फ़्लाइट, सूरत से कोलकाता और कोलकाता से सूरत और बेंगलुरु से सूरत और सूरत से बेंगलुरु फ़्लाइट ऑपरेट करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली फ़्लाइट के लिए सुबह और शाम की उड़ान के लिए 35%, बेंगलुरु के लिए 25%, कोलकाता फ़्लाइट के लिए 30% बुकिंग हो चुकी है। इन रूट पर 186 सीटर फ़्लाइट का संचालन होगा। आपको बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइन ने कुछ दिन पहले ही सूरत से कई शहरों के लिए सीधी फ़्लाइट शुरू करने की घोषणा की थी, और वहीं दोस्तों फ़्लाइट के शेड्यूल को DGCA ने अप्रूवल दे दिया था। कंपनी ने उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन एयरपोर्ट पर काउंटर की जगह के लिए आवेदन नहीं किया गया था। बाद में काउंटर बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब गुरुवार से गो फर्स्ट की 3 शहरों के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री राशन देने के फैसले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गरीबों को मार्च तक फ्री राशन देने के फैसले पर योगी कैबिनेट की मुहर, जाने क्या क्या मुफ्त देगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक निःशुल्क राशन देगी। सरकार गेहूं और चावल के साथ ही 1 किलो चना, 1 लीटर खाद्य तेल यानी सरसों का तेल व 1 किलो आयोडीन नमक भी प्रदान करेगी।
राशन दिसंबर माह से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी अगले महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। योगी कैबिनेट ने बुधवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान मार्च तक मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की थी। अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, तेल और नमक दिया जाएगा। इस योजना में 15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन यानी 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यूपी वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों दिसंबर से मार्च 2022 तक फ्री राशन मिलेगा और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर के है, जो कि विमानों के उड़ान में बाधा बन रहे मकानों को लेकर के आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 26 नवंबर से कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ मकानों को हटाया जाना ज़रूरी है, जिसको लेकर के खबर आ रही है विमानों की उड़ान में बाधक मकानों पर चलेगा बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान में बाधक बन रहे भवन स्वामियों से बुधवार को अधिकारियों की वार्ता बेनतीजा रही। ऐसे में प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में उड़ान में अवरोधक बन रहे मुख्य 10 भवन यानी 10 मकान ध्वस्त किए जाएंगे। शुक्रवार को इन पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। यह कार्रवाई कुशीनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण कसाड़ा के नियमों के तहत की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि SDM वरुण कुमार पांडे व तहसीलदार मानधाता प्रताप सिंह ने भलवी मदारी पट्टी के भवन स्वामियों से घंटों वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। भवन स्वामी भूमि के बदले भूमि की मांग पर अड़े हैं, लेकिन दोस्तों तहसील प्रशासन केवल प्रतिकर देने की बात कर रहा है, यानी सिर्फ मकान के बदले मुआवजा देने को कह रहा है। बता दें कि एयरपोर्ट की जांच में डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA ने उड़ान में बाधक बन रहे बेलवा दुर्गा राय एवं भलवी मदारी पट्टी के कुल 72 मकानों को हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है। अथॉरिटी ने इन भवनों को हटाने की मांग प्रशासन के सामने रखी थी। इस बीच एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद 26 नवंबर से शुरू होने जा रही उड़ान को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है। दोस्तों आपको बता दें कि भवन स्वामियों से वार्ता करने पहुंचे SDM के समक्ष भवन स्वामी बैद्यनाथ दुबे, रमा शंकर दुबे, अशोक लाल श्रीवास्तव, अमरीश लाल श्रीवास्तव, अक्षय बर दुबे, श्रीकांत प्रजापति, जगलाल प्रजापति, वरुण श्रीवास्तव आदि ने भूमि के बदले भूमि की मांग करते हुए अन्य कोई भी विकल्प मानने से इनकार कर दिया। यानी दोस्तों जो मकान के मालिक है उन लोगों ने जमीन के बदले जमीन की मांग की है, इसके अलावा और किसी बात से मानने को इनकार कर रहे हैं। और आगे दोस्तों आपको बता दें कि उनका कहना था कि भवन का प्रतिकर तो प्रशासन दे रहा है, यानी मुआवजा तो दे रहा है, लेकिन दोस्तों भवन बनाने के लिए भूमि नहीं दे रहा है। ऐसे में वार्ता का कोई मतलब नहीं है, यानी कि बातचीत का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मकान के जो मालिक है उनका मानना है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि SDM ने बताया कि अब भूमि स्वामियों से कोई वार्ता नहीं होगी, यानी अब कोई बातचीत नहीं की जाएगी। प्रथम चरण में 10 अवरोधक मकानों को ध्वस्त किया जाएगा और कसाड़े के नियमों के तहत अन्य कार्रवाई भी होगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह से कार्रवाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक घर को बनाने में बहुत मेहनत और पैसा लगता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मेरी राय तो यही होगी कि अगर मकान मालिक जमीन के बदले जमीन लेने पर रजामंद होते हैं तो सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट से दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक वायरल वीडियो को लेकर के है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक विमान के अंदर भोजपुरी में घोषणा सुना जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यूजर्स इस वीडियो को यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट का बताकर वायरल कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वायरल पोस्ट की जांच की तो यह भ्रामक साबित हुआ। हमें पता चला कि वायरल वीडियो बिहार के पटना का है। पिछले महीने पटना दिल्ली की फ्लाइट में भोजपुरी में घोषणा की गई थी। इसका कुशीनगर एयरपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि फेसबुक पेज गोरखपुर ग्राफ्स ने 29 अक्टूबर को एक वीडियो को अपलोड करते हुए दावा किया कुशीनगर एयरपोर्ट पर भोजपुरी। फेसबुक पोस्ट के कंटेंट को यहाँ ज्यों का त्यों लिखा गया है। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आप खुद देख लें। सारे लोग
इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करत नहीं जा, स्वागत करत नहीं जा। कैप्टन प्रतीक बारे साथ में कॉकपिट में और हमनी के छोटा सा परिवार इंडिगो परिवार है जा मर्सी, सोनिका, यशी और कोमल इंचार्ज बारे। आज थोड़ा सा हल्का लोड बा, अभी तक दिवाली छठ के टाइम आ गई बात, वापस आए में ज्यादा भीड़ रहा था, जाए में थोड़ा कम। भोजपुरी समझ में आओ था सब कोई के हिंदी में ट्रांजिशन करी, भोजपुरी ठीक बा, बहुत बढ़िया। बिहार में तो बहुत भाषा बा, मगही, मैथिली, ठेठी, मगर हमरा के खाली भोजपुरी आवे लगा, मगर फिर भी चलता रउआ लोग के एक परिवार के सदस्य हमनी के समझे नहीं जा, भले हम रहम जहाज में ना रहम, कोई और कप्तान रहे, कोई और क्रू रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये खबर अफवाह है, क्योंकि दोस्तों अभी तो कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू नहीं हुई है, तो विमान में घोषणा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुशीनगर एयरपोर्ट से 26 नवंबर से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पहली उड़ान कुशीनगर से दिल्ली के लिए होगी और स्पाइस जेट अपनी पहली सर्विस देगी कुशीनगर एयरपोर्ट से। तो जिन लोगों को कुशीनगर से दिल्ली के लिए हवाई सफ़र करना है वो लोग टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। टिकट की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी गई है और मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस बारे में अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों आखिर में आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।